राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं, रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा पर बड़ी मुसीबत आ गई है क्योंकि तोशु ने अपना असली रंग दिखा दिया है। उसने तो अनुपमा के करियर को आग ही लगा दी है। अब देखना होगा कि अनुपमा किस तरह से इस मुसीबत से बाहर निकल पाती है, जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अबीरा की इज्जत खतरे में है और इस वक्त बेचारी अकेली भी है, जबकि मनीष ने अरमान और रूही की शादी को लेकर बड़ा तमाशा कर दिया है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और आज जानते हैं कि वहां पर तोशु की बेइज्जती अनुपमा ने कैसे की है। वैसे तो तमाशों का सीजन चल रहा है और सीरियल में बढ़ती गर्मी के साथ तापमान भी बढ़ रहा है। अब अनुपमा ने तोशु को आज खूब सुनाया है, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रहेगी। उल्टा वो तो ऐसा कुछ करने वाला है जिससे अनुपमा का करियर बर्बाद हो जाएगा। वहीं डिम्पी की शादी पर वनराज नाक की तरह कुंडली मारकर बैठा है और टीटू के एक छिपे हुए राज का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। आज होता ये है कि तोशु अपने कुछ दोस्तों को होटल लेकर आता है और यशदीप के होटल को अपनी माँ यानी अनुपमा का होटल बताता है। अब ये सब यशदीप और अनुपमा पीछे खड़े खड़े सुन रहे होते हैं। अब ये सारी बातें अनुपमा को बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं और वो तोशु के मुँह पर सबके सामने पानी फेंक कर मारती है। वो तोशु के दोस्तों के सामने ही कहती है कि तोशु की औकात इस होटल में वेटर की है और अब होटल के मालिक भी यशदीप हैं। तोशु अनुपमा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा नहीं सुनती और वो तोशु को होटल में मौजूद सभी लोगों से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। अब मजबूरी में तोशु को माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन वो इस बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। अब यशदीप बताता है कि 2 दिन बाद कोई बड़ा मेहमान आने वाला है और उसका अच्छे से स्वागत करेंगे तो होटल के लिए भी अच्छा होगा। अब 2 दिन बाद ही छोटी का जन्मदिन भी है, लेकिन फिर भी अनुपमा हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वनराज को टीटू पर शक है और वो पाखी के साथ मिलकर टीटू का अतीत छान रहा है और उसके हाथ कुछ ऐसा भी लगा है जो टीटू और डिम्पी की शादी तोड़ सकता है। अब टीटू भी कुछ छिपा रहा है जो अभी तक किसी को नहीं पता है। वहीं किंजल भी तोशु को घर आकर खूब सुनाती है कि गलती तुम्हारी होगी, लेकिन तोशु किंजल से बदसलूकी करता है और धमकी देता है कि भाई वो अनुपमा को सड़क पर लाकर रहेगा। अब ये कारनामा करने में तोशु कामयाब भी होगा, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में तोशु अनुपमा के खाने में कॉकरोच डाल देगा तो वहाँ पर लोग हंगामा कर देंगे और मीडिया भी इस बात को खूब उछालेगी, जिसके बाद सारे लोग अनुपमा पर आरोप लगाएंगे। हालांकि तोशु और गुलाटी इस सब के पीछे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अनुपमा कैसे इन सारी दिक्कतों से बाहर आएगी, क्योंकि इस बार तो यशदीप भी अनुपमा से नाराज़ होने वाला है और उसका साथ भी नहीं देगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अबीरा बिल्कुल अकेली हो गई है, तो मनीष ने आज पूरे पोदार परिवार की नींव हिला दी है। उसने दादी सा और फूफा सा को गिन गिन कर सुनाया है। आज तो पोदार परिवार में खूब हंगामा हुआ है, लेकिन लड़ाई के बीच अबीरा की इज्जत पर बात आने वाली है। अब देखना होगा कि बेचारी अकेली अबीरा कैसे अपनी इज्जत बचा पाएगी। आज होता ये है कि अबीरा ने अपना बैग पैक कर लिया है और भारी मन से घर छोड़ने को तैयार है। वहीं अरमान ने भी विद्या के दबाव में आकर रूही से शादी करने का मन बना लिया है और अपना फैसला घर वालों को बता दिया है, जिसके बाद दादी सा और विद्या की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अब दोनों ने शादी की रस्में और तारीख निकलवाने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन मनीष ने पूरे पोदार परिवार की ईंट से ईंट बजा दी है। होता यह है कि मनीष दोनों के रिश्ते के लिए तैयार नहीं होता। अब इस मौके पर मनीष गोयनका और कावेरी पोदार के बीच भयंकर बहस होती है। मनीष कहता है कि इस घर में जिंदा लोग तो हैं ही नहीं, बल्कि कठपुतली रहते हैं जो कावेरी के इशारों पर नाचते हैं। अब क्या गारंटी है कि जो अभीरा के साथ हुआ वो रूही के साथ नहीं होगा? अरमान अपना पिछला रिश्ता नहीं निभा पाया और नया रिश्ता जोड़ने चला है। अब दादी सा कहती है कि वो लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई थी, लेकिन रूही तो संस्कारी लड़की है और उसे घर संभालना आता है। लेकिन मनीष का कहना है कि भाई वो किसी भी कीमत पर अरमान और रूही की शादी नहीं होने देगा। अब दादी सा भी कसम खा लेती है कि वो अरमान और रूही की शादी किसी भी कीमत पर करवा कर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अबीरा पोदार हाउस से निकलने के बाद अपने लिए ठिकाना ढूंढ रही है। हालांकि अबीरा पर उसके मकान मालिक की नीयत खराब होती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में मकान मालिक अबीरा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करेगा। अब देखना होगा कि बेहोशी की हालत में अबीरा कैसे अपने आप को उस खराब नीयत वाले से बचा सकती है। तो दोस्तों ये तो थी आज के दोनों सीरियल की पूरी पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।